मैं आज जाने वाली हूँ दिल्ली टू बिहार एंड आप लोग में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि जाते होंगे दिल्ली टू बिहार, सो उन्हें मैं बताऊंगी कि मैं किस ट्रेन से गई थी एंड क्या क्या करा मैंने। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड मैं निकली करीब 7:15 बजे मेरे घर से। मैं एक्चुअली ग्रेटर नोएडा में रहती हूँ और मुझे न्यू दिल्ली जानी थी जो कि है आनंद विहार रेलवे स्टेशन। सो मैं वहाँ पर गई तो मैं जैसा कि मैंने बताया कि मैं 7:15 बजे वहाँ पे निकली। सो यू नो व्हाट गाइज, वहाँ पे मतलब AQI कुछ ज़्यादा ही हाई हो रखा है एंड जितने एरियाज चेंज हो रहे थे उतने टाइप के इतने गंदे बदबू आ रहे थे, मतलब इतना भी पॉल्यूटेड हो सकता है दिल्ली मैंने सोचा नहीं था। एंड आप लोग देख सकते हो कि जो लोग गांव से बिलोंग करते होंगे वो कंपेयर कर सकते हैं कि एक्चुअली यहाँ का कितना ब्लर दिख रहा है 7 o'clock का व्यू एंड हमारे गांव का कितना रिफ्रेश फील होता है, अच्छे हवा आते हैं। सो फाइनली ये व्यूज़ को लेते हुए मैं नोएडा पहुंची ग्रेटर नोएडा से। फिर मुझे दिखाई दी ये कुरे का पहाड़ जो कि ओ गॉड, मैं वहाँ से गुजरी एंड वहाँ पर इतनी गंदी बदबू आ रही थी, इतनी गंदी बदबू कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। सो आप लोग प्लीज़ दिल्ली में रहते तो मास्क ज़रूर प्रेफर करना क्योंकि मास्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड उसके बाद में ये आप लोग देख सकते हो यहाँ पे तो सारे जगह मेट्रोज लगे हुए थे, तो ये एक अलग सा व्यू है एंड ये बहुत ही सुंदर दिखता है। उसके बाद में मैं पहुँच गई आनंद विहार रेलवे स्टेशन एंड उसके बाद में मैं गई एंड एक्चुअली मेरी ट्रेन 8 o'clock से थे, बट एक्चुअली पता नहीं ऐसा क्यों होता है मेरे साथ, ऐसा 2-3 बार हो गया जिस भी ट्रेन से जाती हूँ वो ट्रेन डिले ज़रूर हो जाता है। एंड वो एक्चुअली 8:30 AM की ट्रेन हमारी डिले होते होते 12:30 तक चली गई एंड फाइनली 12:30 में वो एटलीस्ट ट्रेन खुली। तो फिर वहाँ पे मैं पहुँची एंड वहाँ पे मैंने थोड़े से सोचे कि थोड़े से जंक फूड खाने तो बनते हैं, कभी खाती नहीं हूँ पर वहाँ पे जब जाओ तो वहाँ पे देख के बहुत क्रेव सा होने लगता है। तो मैंने बोला कि वैसे भी ट्रेन डिलेड है और मैंने कुछ खाई भी नहीं थी, तो मैंने पीनट्स ट्राई करे एंड थोड़े से अमूल कूल पिए एंड उसके बाद में ये देखो आप सप्त क्रांति आया, तो सप्त क्रांति से इतने सारे लोग, मतलब अभी थोड़े टाइम पहले थोड़े से भी कोई इंसान नहीं दिख रहा, थोड़े बहुत थे एंड फट से इतने सारे लोगों, माय गॉड। एंड उसके बाद में हम निकले वहाँ से, बाय बाय करी दिल्ली को एंड हम काफ़ी दूर जा चुके थे और अब रात हो चुकी थी, तो मुझे ना बहुत ही ज़्यादा क्रेव हो रही थी चावल खाने की। एक्चुअली मैं चावल लेके नहीं आई थी, मेरे पास बस रोटीज़ थी। तो ट्रेन की खाना बहुत ही घटिया थी एंड ये लेमन टी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था और ये लिट्टी एंड उसके साथ में चटनी दी थी वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थी। तो अब अगर आप लोग को मिले तो आप लोग ज़रूर लेना, एक्चुअली ये 20 rupees के 3 pieces दे रहे थे और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थी, तो मैं आप लोग को ये प्रेफर करूँगी आप लोग खा सकते हो, बहुत ही अच्छी थी। फिर उसके बाद में हम पहुँचे हमारे पटना यानी कि बिहार में। सो वहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये एक्चुअली गंगा रिवर की व्यू है जो कि मुझे बहुत ही पसंद है। मुझे मतलब एक होती है ना कि लाइक वहाँ पे देख के वो व्यू हमें बहुत अच्छी लगती है, दैट ये हमारे बिहार का है, राइट। सो बहुत ही अच्छा व्यू था एंड उसके बाद व्यू लेते लेते वो गॉड बहुत ट्रेन डिलेड हो रही थी बहुत ही ज़्यादा। फिर मैंने माजा पिया एंड थोड़े से कुरकुरे खाए और ट्रेन को हमने बाय बाय कर दिया था। एक्चुअली अभी मैं बस में हूँ। फिर उसके बाद में मैं वहाँ से ली बस और मैं मेरे घर पहुँची और मेरी फैमिली से मिली, मम्मा से, दादी से और मेरे छोटे भाई से, बहुत ही मजा। एंड यू कैन सी दिस ब्यूटिफुल व्यू विच इज़ फ्रॉम माई टेरेस एंड इतना सुंदर, ओह माय गॉड। उसके बाद मेरे बहुत ही बड़े से पॉन्ड है तो मैं वहाँ पे गई एक्सप्लोर करने, तो आप लोग देख सकते हो कितना ही बड़ा ये, आई थिंक 1.15 acre में है ये सारे पॉन्ड। उसके बाद में मेरे बहुत सारे फ्लावर्स है, एज आई ऑलरेडी पोस्टेड माई प्रीवियस वीडियो, मेरे सारे फ्लावर्स के कलेक्शन मैंने पोस्ट करी थी। एंड उसके बाद में ये मेरा गुआवा का पेड़ एंड मेरा सुंदर सा प्यारा सा घर, थू थू थू। फिर उसके बाद में ये ब्यूटीफुल सा एक फ्लावर, बहुत सारे फ्लावर्स है वैसे। एंड उसके बाद में ये भी एक सदाबहार का फ्लावर जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल होता है। सो होप करती हूँ ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी। ओके, बाय बाय, डू सब्सक्राइब माई चैनल।